सनसेट। धीरे धीरे उधर ले उधर ले। देखो हम कहाँ से आए हैं, वो आपको बताता हूँ। ऊपर से आए हैं, वो ऊपर से ऐसे रास्ते हैं यहाँ पर। देखो धीरे चल 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 चल। अरे देखो भाइयों, आज है हमारे पास मारुति सुजुकी इको, और आज हम करने वाले हैं इससे ऑफ रोडिंग, और बिल्कुल हिल्स एरिया में, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में। ये आप देख सकते हो, ऐसे रास्ते मिलेंगे आपको सिर्फ, और आज आपको मज़ा आएगा वीडियो में अगर वीडियो को आप एंड तक देखते हो। यह मारुति इको, और आज हम हिल्स एरिया में चलाने वाले हैं और ऑफ रोडिंग का आपको आनंद दिलाएंगे। चलिए तो रास्ते एकदम खराब है भाई साहब यहाँ पर। ये हिल्स एरिया है, इसके सस्पेंशन इको की कहनी पड़ेगी, इको को कहीं ऐप निकाल सकते हो आप। क्या इसके सस्पेंशन आप साथ देंगे? सस्पेंशन बहुत हैवी आते हैं इसके, आराम से आराम से आराम से। और थक जाएगी नीचे। और धीरे 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 रोक 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 रोक, एक मिनट रोक रोक। अब देखो दोस्तों, इको यहाँ पर आने वाली है, ऐसे रास्ते मिलेंगे आपको। आराम से आराम से आराम से, अरे आराम से, अरे धीरे, कट लग जाएगा टायर में। धीरे धीरे आराम से आराम से भाई साहब, बहुत खतरनाक रास्ते हैं यहाँ पर, एकदम कच्चे रास्ते, ऊंचे नीचे। इन रास्तों पर क्या है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़रूरी है गाड़ी की। आराम से अगर ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, टायर बड़े हैं, फिर तो यहाँ सक्सेस है, गाड़ी निकल जाएगी, नहीं तो भाई गाड़ी से टोचन करके ले जानी पड़ेगी। आराम से आराम से। अब ये देखो रास्ता, एक मिनट रोकना। अब ये देखो भाई साहब, यहाँ पर अग्नि तो है ही। चल धीरे निकाल, धीरे निकाल ले, निकल गई, बच गई बच गई। आपको नज़ारा दिखाता हूँ, रोकना नहीं। ये देखो दोस्तों, कितना बढ़िया नज़ारा दिख रहा है आपको, पहाड़ों के बीच में, और आपको देखो एक तगड़ा पहाड़ दिखाता हूँ इधर। ये देखो दोस्तों, है ना ऑफ रोडिंग का मज़ा। मिट्टी में इतना आनंद नहीं आता जो पहाड़ों हिल्स एरिया में आपको ऑफ रोडिंग का आनंद आएगा। ये देखो ऐसे रास्ते हैं यहाँ पर, आराम से आराम से, धीरे इसमें लग जाएगी, रुको आराम से। आगे भाई साहब इतने खतरनाक रास्ते हैं, आप देखे हो तो ये कह दोगे वास्तव में, यहाँ बहुत खतरनाक रास्ते मिलेंगे आपको आगे। ये देखो पहाड़ों का नज़ारा, यहाँ कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ सुनसान इलाका है एकदम। आराम से आराम से आराम से। अरे भाई साहब यहाँ तो सस्पेंशन की रेट टूट जाएगी। ये देखो ये कितने खतरनाक है, देखो यहाँ तो गाड़ी थकने के, अरे आराम से। एकदम सुनसान इलाका। वैसे ये एरिया कौन सा है?
रोक ले रोक ले। देखो रास्ते बताता हूँ आपको, ऐसे रास्ते हैं कुछ यहाँ पर। चलो यहाँ पर छोटी गाड़ी तो आ ही नहीं सकती, कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पर आने का। आराम से। ये देखो भाई साहब, ऐसे रास्ते हैं कुछ। आराम से। देखो आपको पहाड़ों का आनंद, यहाँ पर एकदम सुनसान। अगर यहाँ पर पंचर हो गई या टायर में कट लग गया तो कोई इलाज नहीं है यहाँ पर, ना तो आपको पंचर वाला मिलेगा। ये देखो बिल्कुल सुनसान एकदम। हमारे पास स्टेपनी, और एक बात और है, हमारी स्टेपनी भी पंचर पड़ी है। तो अगर पंचर हो गई या कट लग गया, टायर फट गया, तो कोई इलाज नहीं है फिर। खतरनाक रास्ता है, आराम से। अगर थोड़ी सी भी इधर चली गई नहीं तो गाड़ी का कचूमर उड़ जाएगा। आराम से। ये देखो धीरे उधर ले। अरे इधर नहीं, और उधर ले। आराम से। भाई साहब बहुत खतरनाक रास्ता है ये तो। चल लेते धीरे। एकदम जंगल। अब यहाँ पे धीरे रुक। आराम से। देखो हम कहाँ से आए हैं, मैं आपको बताता हूँ। ऊपर से आए हैं। ऐसे रास्ते हैं यहाँ पर, देखो। चलो आराम से धीरे। क्या हो गया? अब यहाँ से निकलेगी ये रास्ते हैं। आराम से धीरे। अब आपको नज़ारा बताता हूँ मैं। देखो ऐसा नज़ारा है यहाँ पर, एकदम जंगल। अब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे नहीं, तब आपको बताएंगे कि वो रास्ता कैसा था जो अभी हम ऊपर से नीचे आए हैं। ये दोस्तों ऑफ रोडिंग का आनंद यहाँ पर। ये देखो ये भोलेनाथ का स्थान है यहाँ पर। बहुत खतरनाक है भाई साहब, लेकिन रास्ते एकदम ख़राब हैं। अगर छोटी गाड़ी को आप लेके आते हो जिसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है, उसका आना तो यहाँ असंभव है। और अगर आएगी तो एकदम ठोक पिट के टायरों में कट, नीचे खग जाएगी बार, तब आप पहुँचेगी।
धीरे चल 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 चल, अरे रोक रोक वापस, रोक 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 वापस ले दोबारा, बस 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 रोक रोक रोक, बाहर जाऊंगा आराम से आराम से। अरे भाई साहब बहुत खतरनाक रास्ता है तो, टायर बढ़िया चाहिए नहीं तो कट लग सकता है। दोस्तों इस वीडियो के पार्ट टू में आपको काफ़ी आनंद आएगा क्योंकि इसमें एक रास्ता ऐसा बताते हैं कि फोर व्हीलर कोई भी गाड़ी उसमें जा ही नहीं सकती, तो हम उसमें ले जाने वाले हैं इस गाड़ी को, तो आप वीडियो के पार्ट टू में देखना। और दूसरा, इस पानी के अंदर भी हम इस गाड़ी को ले जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये पार्ट देखा है तो सेकेंड पार्ट भी ज़रूर देखना।